दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। वैसे इवनिंग हुई नहीं है, अभी हमने जस्ट लंच किया है। क्या बज रहा है? साढ़े तीन बज रहे हैं। तो लंच करते करते थोड़ा लेट हो गए। एक वीडियो का शूट करना था जिसमें मिनी दीदी का भी ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। वो शूट तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग बैठ के ऐसी गपशप बातें शातें कर रहे थे। तो मिनी दीदी मुझे कुछ साड़ियाँ वगैरह दिखा रही थी, अपने लिए भी ली है इन्होंने साड़ी। मैंने तीन ली थी, दो तो तैयार होने गई है, एक है जिसको मुझे मतलब फिनिशिंग के लिए देना है। अच्छा, और मैं इनको क्या दिखा रही थी, अपनी तीज वाली साड़ी दिखा रही थी। हाँ। और एक सूट और मैंने मंगाया रक्षाबंधन के लिए, समझ लो या फिर ऐसे ही समझ लो, मिंत्रा से मंगाया। हम लोग ना जब बैठते हैं, कोई भी लेडी जब बैठती है ना, अपनी शॉपिंग दिखाते हैं कि हमने क्या खर्चा किया, हमने क्या खर्चा किया, खर्चा दिखाते हैं सच पूछो तो। और पता है मैं दीदी को ये भी कहती हूँ, दीदी मेरे साथ चलो, वो जो किम्स वाले पे हम लोगों ने सैंडल पसंद करी थी ना, वो ले आते हैं। पसंद तो आ गई थी ना, वाली पसंद तो आ गई थी, पर इन्होंने एक सैंडल मुझे दिखाई, वो मुझे सही लग रही थी। वो पहन लेना, आपकी मर्जी है, अगर आपको जाना है चलो ठीक है, देख ले। ब्लाउज भी सिलने के लिए दिया है, वो भी लेने जाना है मुझे अभी। तो ये है, आप बताओ, ये मैंने अभी कल ही आया है, ये सूट ब्लैक कलर में, कॉटन में है। ये रेयन, रेयन है, मैंने अभी जस्ट खोला है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा अच्छा लग रहा है, दुपट्टे पे ना बॉर्डर है गाइस। ये सूट ना वैसे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ब्लैक कलर वैसे इन जनरल बहुत फेवरेट है। और इसके साथ ना वो है, ये शलवार है इसके साथ, तभी ये कुर्ता छोटा है। अच्छा। ये शलवार है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं पसंद आ रहा, वापस ले जाओ फिर दे, बाकी आपकी मर्जी है भाई। मैंने राखी के लिए सोच रही हूँ, राखी के हिसाब से है, राखी में ब्लैक के पहन रही है, पहन सकते हो, पहन के दिखाऊँ आपको एक बार। हाँ, एक बार पहन के दिखाऊँ। पिक्चर में ये ऐसा लग रहा था, और मुझे जब मैंने पिक्चर में देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैं ऐसे फील कर रही हूँ ना, तो इसका कपड़ा ना वो नहीं है, ये तो रेयन एक्चुअली है, मगर रेयन भी ज़्यादा बढ़िया वाला मुझे नहीं लग रहा। पता है इसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शिफॉन या जॉर्जेट टाइप का होगा सूट। हाँ। आपको नहीं लग रहा? और ये वर्क भी ऐसा लग रहा था जैसे जरी का होगा, लेकिन ये लेस लगी हुई है, तो हाँ। मतलब मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, बाकी भैया पसंद अपनी अपनी होती है। और ये इसका धागा भी वैसा वाला है, रेशम जैसा। आप पहन के देखो, हो सकता है मैं भी पहन के ज्यादा अच्छी लगता हूँ। तो ये है वो सूट जो मैं आपको अभी, हाँ गिर पड़ी है, दिखाते दिखाते गिर पड़ी, इतना अच्छा लगा कि गिर गई। ये तो आप बताओ मैं रखूँ नहीं रखूँ, क्योंकि मैंने ऑडियंस का भी ओपिनियन लिया है, ऑडियंस से पोल कर रहा हूँ। अगर भाई आपको पसंद आता है तो मैं सूट को रखूँगी, और नहीं तो मैं इसे वापस भेज दूँगी, और प्रशांत से भी पूछूंगी, क्योंकि वरना वो भी बहुत नाक मुँह से कोड़ते हैं। तुम क्या पहन के खड़ी हो गई है, नहीं पसंद आया? चलो आप लोग भी बताइएगा, इसीलिए अच्छा हो मैंने पहन के दिखा दिया, भैया को भी दिखा दो लगे आप। प्रशांत बताओ, ये अच्छा लग रहा है? अब आप वोटिंग करो कि भाभी को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मेरी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अच्छा लगा। प्रशांत को पसंद आया, लेकिन प्रशांत ने बोला ये राखी के लिए तो नहीं है। हाँ, और मैं कह रही थी राम नगर चलो मेरे साथ, मैं दिला दूंगी आपको। चलो फिर 1500-2000 रुपये में बहुत अच्छा, 2000 रुपये में, 1500 में तो नहीं, लेकिन 2000 रुपये में बहुत अच्छा पार्टी वेयर कुर्ती या सूट जो आजकल चल रहे हैं वैसे मिल जाएंगे। तो राखी तो टाइम है, किसी दिन चल चलेंगे। आप तो दिखाओ अपनी साड़ी, आप तो कह रहे थे साड़ी लेके आए, वो फिनिशिंग में होगी नहीं, फिनिशिंग आप क्यों लेके आए थे साड़ी? ब्लाउज, हाँ ब्लाउज भी देना है। और एक्चुअली क्या, तीजों में का फंक्शन होता है हमारे, तो मेरे फ्रेंड से सारे मैंने नाम लिखवा दिया, तो उसमें ग्रीन कलर पहनना जरूरी है। हाँ वो तो होता ही है, मेरा तो मन नहीं था, पर उन्होंने है ना, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, नाम लिख लिया। प्रशांत साड़ी लाई है मेरी दीदी तीज फंक्शन में पहनने के लिए। अरे वाह, अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, कपड़ा भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा लग रहा है। कहाँ से लेके आए? ये हम राज की बात है, हम क्यों बताएं, बता दो। कलर अच्छा है गाइस, देखिए कलर बहुत प्यारा है। इसका वो है पल्ला अलग, ये ब्लाउज है, ये मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये इसका पल्ला इस साड़ी का, और ये सिल्क में है ना साड़ी? हाँ, ये सिल्क में है। और ये इसका आपका ओवरऑल रहने वाला है। हाँ, ये पूरे आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड में है, मतलब साड़ियाँ तो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं, बट आजकल कुछ ज़्यादा है, तो फिर मैंने साड़ी खरीदी। इस बार मैंने 3-4 साड़ियाँ खरीदी हैं। आप एक बार बताओ मेरी भी, इसका ब्लाउज का पीस कौन? ब्लाउज का ये रहा। अच्छा, ये लाइट है बहुत कपड़ा ना। कितने में लिया आपने ये साड़ी? अब आप लोग बताओ ये कितने की साड़ी होगी? ये सब कुछ यही बताएं? हाँ, आज आपका एग्जाम टेस्ट है। एग्जाम टेस्ट, हाँ एग्जाम टेस्ट।
एग्जाम में सॉरी डबल डबल हो गया, पर एग्जाम भी और टेस्ट भी है। हाँ तो आप बताओ, तो प्राइस भी यही बताएंगे और क्या कहते हैं दुकान भी यही बता देंगे। बताऊंगी मैं, ये तो राज की बात है। ये देखो इसका एक्चुअली बॉर्डर मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, इसलिए मैंने ली थी। और मफिन की यहाँ पे खर्राटों की आवाज़ आ रही है, फुस फुस। एक दिन तो ये कराटे ले रहा था और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, किसी ने लिखा कमेंट सेक्शन में, लगता है भैया बराबर में सो कराटे ऐसे लेता है रात में। तो परसों में उठ के डर गई, तो हे भगवान कौन ले रहा है एकदम ऐसे खर्र खर्र, फिर मालूम पड़ा ये तो मफिन भाई है। तो आज मैं ना एक टेलर के पास जा रही हूँ, और ये साड़ी आपने मुझे देखा होगा कभी पहने हुए, एक बार मैंने पहनी है किसी व्लॉग में, हाँ। कोई फेस्टिवल व्लॉग ही रहा होगा, उसके बाद कभी मैंने पहनी नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ इस साड़ी से ना कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ। मैं तो कह रही हूँ लहंगा चोली बनवा लो, वो बहुत अच्छा लगेगा सूट के अकॉर्डिंग। वैसे क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो फिर लहंगा चोली ज्यादा अच्छा लगेगा। बंदेज का दुपट्टा ले लेना, या फिर वो सिल्क वाला जो होता है ना प्योर सिल्क का, वो दुपट्टा लेके और बांधनी स्टाइल आप उसमें कलर करा लेना तो वो भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, देखिए अभी टेलर से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ। मैंने ऐसी दो साड़ियाँ और निकाली थी, पहले मैंने कहा एक सिलवाओ, जिससे मैं सिलवाती पहले आप उनसे एक सिलवाओ। हाँ। क्योंकि हर एक की देखो फिटिंग का अलग होता है, एक टेलर और एक पार्लर एक ऐसी चीज होती है ना जो किसी को सबको है ना, बस अपने चाहे वो महंगा ही ले रहे हो भले या सस्ता ले रहे हो, या तो हमें उसी पे जाना अच्छा लगता है। सही बात है, एक टेलर और एक पार्लर वही होता है, क्योंकि फिटिंग हर एक की हर एक को नहीं समझ में आती है। और बंदेज की साड़ियाँ ना नवरात्रि टाइम पे बहुत अच्छी, हाँ, अच्छी लगेगी। मैं आप फेस्टिवल टाइम आ रहा फिर तो कभी भी पहनो। चलो ठीक है चलते हैं, तो आप देखो वो क्या बनेगा इसमें। अभी फिलहाल सच बोलूं तो मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ फेस वॉश किया है अभी जस्ट, और आप देख सकते हो कितनी क्लीन एंड क्लियर मेरी स्किन हो रही है। और ये बात आप लोगों ने भी नोटिस कर ली होगी ऑलरेडी, क्योंकि कशिश जब आई थी वो भी मुझे बोलकर गई थी मम्मी आपका चेहरा काफी क्लीन हो गया, अब आपके एक्ने वगैरह नहीं हो रहे। तो मैंने कहा हाँ मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर में चेंज किया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़े बेनिफिट मिले हैं। सन एक्सपोजर, डस्ट और साथ में जो पुराने एक्ने होते हैं उनके जब मार्क्स रह जाते हैं ना, उनकी वजह से ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन हो जाती है, और काफी चेहरा ना डल डल सा फील होता है, और ऐसी स्किन किसी को भी पसंद नहीं होती। तो मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश, और इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट है, एक है मलबेरी और दूसरा है विटामिन सी। क्या होता है विटामिन सी तो आपकी स्किन को इवन टोन करने में तो हेल्प करती है, और आपकी स्किन को ब्राइट रखने में भी हेल्प करती है। और इस फेस वॉश में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलबेरी, ये आपके स्किन में से जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और मुझे ये फेस वॉश इसलिए पसंद है क्योंकि ये काफी जेंटल है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, अच्छे से एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है स्किन को, और मुझे स्पॉट फ्री ब्लेमिशेस फ्री स्किन देता है। और साथ में ही ना ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ये ना मेड सेफ सर्टिफाइड है, और मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, केमिकल फ्री होते हैं। अगर आप इस फेस वॉश को यूज कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिले, तो आप इसके साथ ये वाला सीरम भी यूज करके देखिएगा, तो आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। ये सीरम आपको दो तीन बूंद लेना है, अपने चेहरे पर लगा लेना है अच्छे से मसाज करते हुए, और पूरे चेहरे पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो सीरम है ये देखो वाटर बेस्ड है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता। मैंने अभी चेहरे पे कुछ लगाया हुआ नहीं है, मैंने जस्ट शावर ही लिया था, तो थोड़ा सा मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। फेस वॉश करने के बाद आप डेली से अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, बहुत ही लाइट है, वाटर बेस्ड है। ये दोनों ही प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, साथ में ही जो भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। मामा अर्थ की जो गुडनेस है ना वो केवल इनके प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मामा अर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर किसी एक ट्री के साथ। तो इस तरीके से मामा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का प्लान किया है। अच्छे कॉज के लिए तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हें परचेस करने में तो मामा अर्थ की वेबसाइट, ऐप, Amazon, Flipkart और Nykaa, इन सब पर मिल जाएंगे। अगर आप वेबसाइट और ऐप से परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि है IMS 2023। और इसी के अलावा आप अगर ऑनलाइन नहीं परचेस करना चाहते हो तो अपने घर के पास कोई भी स्टोर पर जाकर आप ले सकते हो, अब तो इनके काफी सारे स्टोर्स भी आपको मिल जाते हैं इजीली। रीमा मेरे को बता रही थी कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये जो वॉल है इसमें कितना एक्सपेंसेस आया और कैसे बनी,
मैं बताऊं तो ये जो वॉल है इसमें हमारा टोटल जो है सिर्फ डिज़ाइन का 15,000 के करीब लगा है, और जो हमने इसमें मोल्डिंग यूज़ करी है ना वो लकड़ी वाली यूज़ करी है। इसमें आपको जब भी आप बनवाने जाएं तो आपको ये देखना होगा कि लकड़ी जो है ना मोल्डिंग की वो ना रफ ना हो, क्योंकि एक वो लकड़ी पहले भी लेके आए थे वो रफ थी। उससे क्या होगा, आप पेंट कितना भी अच्छा बनवा लीजिए लेकिन अगर लकड़ी खराब है और उसके ऊपर थोड़ा रेशा रेशा सा है तो स्मूथ फिनिश नहीं आएगी कभी भी, पेंट के बाद रेशा ही दिखेगा। तो फिर हमने वो बदलवाया। अब हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, आप जो है थोड़ा सा ना इस साइड में ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा सस्ते में बनवा सकते हो। अगर आपको कोई कारपेंटर वैसे मिल जाए ना तो इसकी ना बड़ी बड़ी वो आती है, लेंथ आती है जो मोल्डिंग होती है, वो मोल्डिंग आप मार्केट से खरीद सकते हो, किसी भी बोर्ड वाले के पास या जो लकड़ी का काम करते हैं ना उनके पास मिल जाएगी। आप किसी कारपेंटर को पकड़िए, अपना डिज़ाइन आप चूज़ करिए, इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, और उसके बाद में आप उसको डिज़ाइन बता दो। बहुत सिंपल होता है इसे बनाना, तो मेजरमेंट अच्छा, मेजरमेंट्स वगैरह सही होने चाहिए और आपको डिज़ाइन पक्का होना चाहिए। कई लोगों ने कहा आपने नीचे क्यों बनवाया। अब बात यह है कि अगर हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर बनवा लेते हैं और नीचे नहीं, तो क्या होता है जब सोफा पड़ता है तो पूरा तो कवर नहीं करता है, राइट, पूरी वॉल नहीं कवर करेगा, वो साइड से इधर से दिखेगा इधर से दिखेगा। तो अगर आधा बनवाते हैं तो वो नीचे की वॉल जो है वो ब्लैंक लगती है, और फिर पूरा डिज़ाइन जब आप ऐसे देखते वॉल का तो वो आपको ना फुल नहीं लगता, वो आपको लगता है आधा अधूरा है कुछ, आधा काम है। तो हमने कहा कि हम तो काम तो पूरा ही करेंगे। ऐसी चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर आपका ओवर लुक खराब हो रहा हो। ओवरऑल लुक ना अगर खराब हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए ये सोच के यहाँ पे तो सोफा आ जाएगा करवा के क्या फायदा, लेकिन बाद में साइड पूरी बचेगी तो वो वहाँ का दिखता। और एनीवेज जैसे कभी हमने सोफा साइड करते घर में पूजा रखते हैं तब तो पूरी वॉल ही दिखती है ना, तो फिर वो नहीं, चलो उस बात को भी रहने दो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता की पूरी वॉल कवर हो जाए। मुझे नहीं पसंद है कि आधा अधूरा काम कराओ, तो पूरा काम होना चाहिए वॉल पे। जब आप वॉल पे ही काम ही करा रहे हो और वो शो वाला काम है तो पूरा ही कराना चाहिए, तो वही कराया है। इसका भी हमने रॉयल शाइन ही कराया है। हाँ, तो पूरे घर में हम लोग जो कराते हैं ना वो रॉयल शाइन पेंट ही कराते हैं, क्योंकि वो इजी टू क्लीन होता है, और जो होता है आप कपड़ा मारो गीला कपड़ा और वो आराम से साफ होता है। और ये कलर हम लोगों ने सेज ग्रीन इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये ना रॉयल शाइन का ओपेलन ग्रीन है। हाँ, ये सेज ग्रीन की ही एक वो है, वैरायटी है। तो हमें को ये पसंद आया, कशिश को भी पसंद आया, और चार लोगों से और पूछा तो उनको भी यही कलर पसंद आया, तो वी वेंट विद दिस। तो आई होप दीवार से लेके आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। और हाँ, और हाँ, लकड़ी के ऊपर वही कलर चल जाता है, वही कलर चल जाता है, मतलब जो रॉयल शाइन है ना वो चढ़ जाता है अगर पुट्टी अच्छी तरीके से हो और उसके ऊपर प्राइमर हो अच्छे से, घिसाई करें तो अच्छे से आ जाता है। नहीं, इसकी घिसाई नहीं होती, नहीं रेग मार से उन्होंने हल्के हल्के कॉर्नर, इसकी घिसाई नहीं होती, क्योंकि अगर इसकी घिसाई होगी तो फिर इसके ऊपर से वो जो डिजाइन है उनकी वेन्स वो चली जाएंगे, तो इसलिए ही तो स्मूथ लेनी होती है ये, क्योंकि इसके ऊपर घिसाई नहीं हो सकती। खैर जो भी है, प्रशांत ने काफी डीप नॉलेज ले ली है मेरे को हर साल डीप नॉलेज हो जाती है। अब फिर अगले साल फिर और कुछ कराएंगे। अभी एक और चीज के बारे में लोग पूछना चाह रहे थे कि फॉल्स सीलिंग में हमारा कितना खर्चा आया, और ये फॉल्स सीलिंग एक्चुअली किस चीज से बनती है, क्या है? फॉल्स सीलिंग बनाने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप पीओपी से करवा लीजिए, उसमें क्या होता है टाइम ज्यादा लगता है और रहते हुए काम कराना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें जो पीओपी यूज होती है ना वो पूरे घर में फैलती है, हालांकि ड्यूरेबल वही होता है, 10 से 11 दिन लगते हैं उसे। हाँ, क्योंकि वो लगाएंगे आप जाल बनाएंगे, फिर जाली बिछती है, फिर उसके ऊपर पीओपी वो लोग लगाएंगे और सूखेगी, तो उसमें हमारे लग जाते हैं 8 से 10 दिन केवल पीओपी में, और बहुत ज्यादा डस्ट होती, वो उन घर के लिए बहुत अच्छी होती है पीओपी जो खाली होते हैं, जो रेडी टू मूव इन नहीं होते हैं, आप उन्हें दे देते हैं आप काम करके पूरा इंटीरियर, जैसे शिफ्ट होने से पहले आप करा रहे हो तो आप पीओपी कराइए, आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या था, हम लोग यहीं रह रहे थे इसलिए हमें ना जिप्सम का काम कराना पड़ा। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम के बोर्ड आते हैं कुछ 4 फिट बाय 8 फिट के, कुछ शायद यही साइज होता है, और वो काट काट के लगा देते हैं, और उसके अंदर जो डिजाइन आपको चाहिए वो आपको पीवीसी से भी बनने लगे हैं। तो लूअर्स होते हैं वो डब्ल्यूपीसी के, नो डाउट वो अच्छे डिजाइन वाले हमें पसंद आए इसलिए, तो वो डब्ल्यूपीसी के जो लूअर्स है वो हमें 600 रुपीज का एक लेंथ मिली, विच वॉज लाइक 6.5 इंचेस और 8 फीट
इन लेंथ। तो इस तरीके से और प्लस ये चारकोल वाले जो वो हैं, ये चारकोल वाले लोअर्स हैं, ये भी और वो मिला के करीब हमारे शायद आई थिंक 18,000 का मटेरियल आया था। और बाकी हमने जो कारपेंटर हैं उनको, वो हमारे जान पहचान के, तो उनसे हमने काम कराया था, ठीक है। तो उनकी नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मना किया है बताने को, तो उनका नहीं बताऊंगा कि उन्होंने, क्योंकि वो तो हमारे लिए पर्सनली काम कर देते हैं इसलिए, कई सालों से कर देते हैं, तो इसलिए। तो लेकिन फिर भी आप अपनी जान पहचान की किसी कारपेंटर से वो काम कराएंगे ना, बहुत इजी होते हैं इंस्टॉल कराना, कोई भी इतने ज्यादा नहीं लेगा। तो वो जो सामने वाली वॉल है ना, उसके बारे में मत पूछिएगा क्योंकि उसने बहुत पैसे खाए हमारे। इतने नहीं खाए, अब विद मटेरियल एंड विद लेबर उसमें कुछ 12,000 रुपये लगे, 6,000 रुपये का तो उसमें वुड लगा, और 6,000 लेबर के लिए मतलब कारपेंटर ने लिए, और 8,000 के उसमें मिरर लगे हैं, और बाकी पेंट 8,000-10,000 रुपये का, तो 26,000-27,000 रुपये में वो बहुत बड़ी है, इतनी महंगी नहीं है भाई। लोग तो बहुत बहुत काम कराते हैं घर में, हम तो अपने लिए ही, अपने घर में ही रहने के लिए ही करा रहे हैं, हम तो किसी और के लिए तो करा नहीं रहे। तो मैंने ये डिजाइन भी कहीं देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये वाली वॉल से हम कहाँ से इंस्पायर हुए थे ना, उसकी पिंटरेस्ट से, उसकी पिक्चर लगा देना साइड में। हाँ, साइड में पिंटरेस्ट पे देखा था, पिंटरेस्ट पे देख के हमें बहुत पसंद आया था ये डिजाइन, तो उसकी पिक्चर में लगा दूंगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है रीमा, तब तक जब तक ये मिरर नहीं लग गया ना, तब तक स्केप्टिकल थी कि कैसे लग गया, लेकिन अब बनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज मिरर से क्या होता है, आपका जो छोटा सा कमरा और स्पेस होती है ना, वो भी बड़ा लगने लगता है, और लाइट भी अच्छी रिफ्लेक्ट होती है। और हाँ, वो जाली जो है ना, वो कॉर्नर में जो लगे, वो MDF बोर्ड में उसकी कटिंग होती है। आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस जो बनाते हैं वो शेयर कर देंगे, आपको जो भी पसंद है आप वो डिज़ाइन बता दिए, वो MDF में कट के आ जाती है और ऊपर की साइड में लग जाती है। उसका एक्सपेंसेस हमारा कुछ 10,000 के करीब आया था विद लाइटिंग उन्होंने लगा के दी थी। फॉल सीलिंग की जो कॉस्ट है ना, वो हमको अराउंड 40,000 पड़ी है दोनों की, और लाइटिंग एक्स्ट्रा है उसमें, 10,000-12,000 रुपये की लाइटिंग के एक्सपेंसिस आए, मतलब जो वायर जाते हैं और जो लाइट्स हैं वो अलग। तो आप कह सकते हो 50-52,000 में पड़ गए हमें आप लोगों को पसंद आया होगा। और क्या है ना, ये तो अपनी अपनी पसंद वाली बात होती है, हो सकता है जो हमें पसंद आ रहा हो कई लोगों को नहीं भी आया पसंद, लेकिन लोगों को हमेशा काम ना अपनी पसंद के अनुसार करना होता है जो अपने घर में जो आपको सूटिंग लगे, जो आपको अच्छा लगे। और दूसरों से आइडिया लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, पक्के लेने चाहिए, और अपनी फिर अपनी तरीके से सोच के देखना चाहिए क्या हमें ये चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप वही चीज़ करवाइए, नहीं तो दुनिया में इतने सारे डिज़ाइन हैं, इतने सारे कलर्स हैं, लोग आजकल अपने घर को बड़ी अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं, इंटीरियर कराते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं इंटीरियर के ऊपर, क्योंकि उन्हें वो खर्च करके वो करके अच्छा लगता है, खुशी लगती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे लाइफ में जो काम से आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले ना, वो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बेडरूम के लिए भी बोला है कि आपको अपने बेडरूम में भी चेंजेस करने चाहिए, तो भाई इस बार का हो गया, इसमें बहुत सारे पैसे लगवा दिए। हाँ, लेकिन आगे हम सोचेंगे जरूर, हमें अपने बेडरूम्स भी थोड़े अच्छे कराने हैं, लेकिन वो अभी इस साल तो नहीं सोचा है, नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसके बीच में कभी भी बीच में करवाएंगे, उसके लिए भी अलग डिजाइन चल रहे हैं दिमाग में, उसके लिए भी सर्च जारी है। हाँ, बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी सर्च अपने पिक्चर्स क्लिक वगैरह करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली इन सब चीज़ों के साथ, थकान बहुत ज्यादा है, बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन सच में ही ना बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है। हम लोग सफाई और लगातार हम लोग दो पैरों पे खड़े हुए हैं, और लोग तो बोलते हैं एक पैर पे खड़े हुए हैं, मैं एक पैर पे तो लगातार हम लोग एक पैर पे खड़े हुए हैं, उसकी वजह से भाई बहुत हालत खराब हुई है, और हमारे सोफे भी चले गए, हम जमीन पे आ गए हैं, अब जमीन से जुड़ रहे हैं हम लोग, पहले से ही जुड़े हुए थे। अभी तो बहुत कुछ काम है, दिवाली से पहले ही है, सोफों का काम है, कर्टेन्स का काम है,
और आप लोग अपने आइडिया शेयर करते रहिएगा हाँ। कि हमें किस टाइप के कर्टेंस डलवाने चाहिए, इस चीज़ का आइडिया आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। बाकी तो आपके आइडिया हमें हमेशा हेल्प करते हैं, कुछ लोगों ने हमें सेज ग्रीन वॉल का आइडिया भी दिया था, तो हमें भी हमारे दिमाग में वैसे पहले से था सेज ग्रीन, लेकिन सेज ग्रीन जब बहुत लोगों ने बोला तो कहते हैं ना रीअफर्म हो गया, हाँ भाई कराते हैं। तो चलिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइस। ब्लॉग से ऐसे जुड़े रहिएगा, आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आप सबके लिए, क्योंकि अब तो फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे हाँ। तो बहुत सारी आपकी फेवरेट चीज़ें आएंगी मेरे ब्लॉग में जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय बाय, लव यू।